Assalamualaikum. This is me, Umaira Qureshi, once again welcoming you in another video and hope you all are doing great. आज हम आए हैं मैरीटाइम म्यूजियम कवर करने, बहुत मजा आएगा, तो आप भी चले हमारे साथ और देखते हैं। ये कारसास रोड पर लोकेटेड है, ये अरीना है और अरीना से आगे है मैरीटाइम म्यूजियम। आज है 9 नवंबर और स्कूल्स ऑफ है, तो ये बेस्ट डे था कि आप भी चलें और हम। ये पार्किंग के यहाँ पर चार्जेस देने पड़ते हैं, पार्किंग तो मैं खुद से कर लूँगी। और मैं आप लोगों को बता रही थी कि आज 9 नवंबर है तो छुट्टी थी, तो आप भी देख लें और जरवा भी देख लें मैरीटाइम म्यूजियम। देखें यहाँ पर ये कैसे एयरक्राफ्ट वगैरह खड़े हुए हैं, एक ऐसी ओवरव्यू दे रही हूँ, बाकी तो अंदर जा कर दूंगी इंशाल्लाह। हमने यहाँ पर ये गाड़ी पार्क कर दी है और ये रहा मैरीटाइम म्यूजियम। यहाँ पे एटीएम सर्विस भी अवेलेबल है इनकेस पैसों की ज़रूरत पड़े तो। और ये देखें ये आउटर लुक है इसका, कैसे जहाज खड़े हुए हैं ये। और आई थिंक वो टिकट काउंटर है, पार्किंग के अलग देने पड़ते हैं और एंट्री के अलग, ज़्यादा नहीं होते लेकिन बस यहाँ से टिकट लेते हैं, देन वील गो इनसाइड। ये यहाँ पर एयरक्राफ्ट भी खड़ा हुआ है, बड़ा खूबसूरत सा। और आई थिंक इसके अंदर भी हम विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पे बाहर से इसने ओवरऑल पैकेज की बात कर रहा था लेकिन मुझे इतनी सारी चीज़ें अंदर जाके विज़िट नहीं करनी थी, म्यूज़ियम वगैरह, तो मैंने टिकट तो परचेज़ नहीं की ओवरऑल पैकेज की, बस एक एंट्री टिकट पे कर दी। बाकी जो जो चीज़ें मुझे विज़िट करनी होंगी, जैसे ज़िरवा को मुझे ये एयरक्राफ्ट दिखाना है या सबमरीन दिखानी है, तो उसके लिए मैं अलग से परचेज़ कर लूँगी। अच्छा लग रहा है वैसे ये। आई थिंक मैं लास्ट यहाँ पर आई थी जब फ्लावर एग्जीबिशन थी, किसी के साथ ही आई थी कोई स्कूल विजिट वगैरह पर, तो यहाँ पर उस टाइम पे फ्लावर एग्जीबिशन लगी हुई थी इधर ही इसी साइड पर, और वो जो मेन जहाँ पे लिखा हुआ है ना म्यूज़ियम, उस तरफ भी देखें। अच्छा टक शॉप भी है इधर, अच्छा हुआ मैं कुछ लेकर नहीं आया सिवाय ज़िरवा के पानी के। ये देखें सब मरीन यहाँ पर, एक्चुअल तो मैं जो इसको यही दिखानी थी। वो ये तो मुझे लग रहा है मैं सदियों के बाद इधर आई हूँ, आप लोगों को दिखाने के चक्कर में मैं खुद भी वो चीज़ें विज़िट कर रही हूँ जो मेरे ख्याल से कराची में रहते हुए भी हम लोग इतना आते नहीं हैं। देखें कितनी बड़ी सब मरीन है, इसको अंदर से जाके भी एक्सप्लोर करते हैं कि इसमें और क्या है, ठीक है। और ये यहाँ पर बोटिंग्स भी होती हैं लेकिन मेरे साथ तो कोई बैठेगा नहीं, ना अम्मी बैठेंगी ना ज़िरवा बैठेगी, तो अकेले जाकर मैं क्या करूँगी बोटिंग में, और कोई है भी नहीं इस टाइम पर, दोपहर के 4 बज रहे हैं। और हालांकि छुट्टी वाला दिन है, होना मेरे ख्याल से आंटी जाने वाली है, अगर कोई करता है तो फिर भी देखती हूँ बोटिंग के लिए। हाँ कर रही हैं कर रही है, अगर आंटी करती है तो फिर मैं भी कर लूँगी, वो कर सकते हैं तो कर सकते हैं फिर मैं, मतलब गिरूँगी तो हो जाएगा मैनेज। ये हमारा छोटा सा एयरक्राफ्ट, और देखें लाइट हाउस, ऊपर जाके पूरे पार्क का व्यू हो सकता है। और ये बहुत सारी फैमिलीज आई हुई है खाने वाने लेकर, पिकनिक स्पॉट की तरीके से अच्छी जगह है, यहाँ पर फैमिली आके गैदर हो सकती है, बैठ सकते हैं एंजॉय करने के लिए। खाने पीने के यहाँ पर टक शॉप है, मेरे ख्याल से दूसरी जगहों की तरह एक ये प्रॉब्लम भी नहीं है कि आप यहाँ पर खाने की चीज़ें बाहर लेकर नहीं आ सकते हो, यहीं अंदर आके परचेज़ करनी पड़ेंगी, ऐसा भी कुछ नहीं है। मैंने देखा बाहर लोग पतीले वगैरह उठाकर लेकर आ रहे थे, मतलब सब कुछ लेकर आ सकते हैं, तो एक अच्छी जगह है, पानी है, ग्रीनरी है, झूले हैं, खाने की चीज़ें हैं, देखने की चीज़ें हैं, तो यहाँ पे बंदा 3-4 बजे तक आ जाए और मगरिब या 7-8 बजे तक रुक सकता है। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ये लोग यहाँ पर दूर से, व्यू तो बहुत ही अच्छा है। ये सब लाइट्स भी रात तक मगरिब तक ऑन हो जाएंगी, मेरे ख्याल से और भी अच्छा लगेगा। फिलहाल तो मैं हूँ यहाँ पर और मगरिब तो बहुत ही जल्दी हो जाती है, तो मैं आपको यहाँ का पार्क का नाइट व्यू भी इंशाल्लाह दूंगी। ये देखें डक्स कितनी प्यारी लग रही है, मैं जाती हूँ इनके पास। वैसे मैं ना आप लोगों को मेरे देखने से भी ये चीज़ फील होती होगी कि मैं पेट्स लवर हूँ, तो मुझे जहाँ पर भी ये सब दिख जाते हैं ना, डक्स बर्ड्स एनिमल्स, मैं उधर अपने आप खिंचती आ जाती हूँ। ये देखें और ये भी मेरे पास आते हैं, ऐसी बात नहीं, इन लोगों को भी एक वो सिक्योर वाली फीलिंग आती है कि मैंने कुछ नहीं करना।
एक बार ना मेरे पीछे ऐसे डक भागी थी, ये जो ये कर रहे हैं ना कट 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 कट, इनके साथ भी मैंने ऐसे ही किया था। और उसके बाद जो मेरे पीछे ये भागी थी, बस उसके बाद भूल गई मैं ये टक टक करना इनके आगे। हाय, हाउ आर यू, डू यू नो यू आर सो ब्यूटीफुल। अच्छा, यू नो दैट, वाओ, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आपके बच्चे आपके पीछे पीछे आ रहे हैं, आपसे बात करूं? आप में से कौन, कोई मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा? व्हाई यू ऑल आर रनिंग अवे? अच्छा चलो, मर्जी है आपकी, मैं यही हूँ, कहीं जा नहीं रही। दिल करे तो आ जाना वापस से, ठीक है? टेक केयर, कुछ और देख कर आते हो। ये देखें, मिसाइल भी है यहाँ पर, और ये सब 21 तोपों की सलामी वाले तोप। आई थिंक ये सब भी नेवी इक्विपमेंट्स ही हैं जो यहाँ पर डिस्प्ले पे रखे हुए हैं। ये भी यूज़ होते होंगे किसी ना किसी चीज़ के अंदर। इससे कितने अच्छे नारियल के दरख्त हैं यहाँ पे। बस मैंने ना अभी तक जितने भी जगह देखी ना, इनों के अंडर में जो भी है ना, वो चीज़ माशाल्लाह है काफ़ी वेल मेंटेन्ड। हर चीज़ को तरीके से सफाई सुथराई से रखा हुआ है। देखें हर जगह पे सारे वक्त काम भी चल ही रहा होता है, स्वीपिंग वगैरह ये सब। तो लगता है हमारा टैक्स माशाल्लाह वसूल होता है, ऐसी बात नहीं है। हमारी जो डिस्प्ले की चीज़ें हैं जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती हैं, काफ़ी अच्छी रखी हुई है। अब मैं चलते चलते ऐसा ना हो कि पानी में गिर जाऊँ, ये देखें तो। और मुझे स्विमिंग नहीं आती है, कौन बचाएगा फिर? देखें उनकी बात कर रही थी, वो फैमिली बैठी हुई है, बोटिंग्स वगैरह हो रही हैं। ये देखें ये दोनों यहाँ पर। अब आपको ऐसा लगता है इन दोनों में से किसी को भी देखकर कि इनको मेरी कोई भी पड़ी हुई है, ये लोग आपस में ही खुश हैं, मेरे साथ तो नहीं चलने वाले ये। पीछे ना गाने चल रहे हैं, इस वीडियो पे कॉपीराइट आ जाएगा अगर मैंने वहाँ चली गई। फिलहाल मैं आपको यही दिखाती हूँ, फिर उधर जब गाने बंद हो जाएंगे तो उस साइड पर भी दिखा दूंगी। ये देखें 21 तोपों जो बोल रही थी ना, ये रही 21 तोपें। पीछे खैर नमाज का एरिया आई थिंक दिया हुआ है, विच इज़ वेरी गुड। अभी थोड़ी देर में असर भी हो जाएगी तो इंशाल्लाह यहीं पे नमाज भी अदा करेंगे, अल्लाह पाक ने चाहा तो। और स्लोली ग्रेजुअली रश बढ़ रहा है, मतलब जिस तरीके से टाइम बढ़ रहा है उस तरीके से यहाँ पर लोग भी दिख रहे हैं अब आते हुए। धूप भी है ना, हालांकि सर्दी का आगाज हो गया है, पर उसके बावजूद भी ये टाइम ऐसा होता है 2 से 4 का के कम भी हो तो धूप तो है। अभी तक मैंने खुद को तो दिखाया ही नहीं, और खुद को ना दिखाऊं तो ऐसे कैसे चल सकता है। अब मेरे साथ चीजें ज्यादा अच्छी लग रही है ना, मजाक कर रही हूँ। वैसे व्यू बहुत अच्छा है यहाँ पीछे का, पिक्चर्स वगैरह के लिए। अरे बड़ी स्वीट स्वीट डके हैं यार, बच्चे भाग रहे हैं इनके पीछे, ये डक्स भाग रही है आगे, कुछ नहीं कर रही। मैं छेड़ दूँ तो ये तो ऐसे लगता है ये सब मेरे पीछे पड़ जाते हैं, कुछ भी नहीं बोल रहे इनको। नहीं, मैं आपके साथ बैठूंगी ना। मेरे साथ बैठोगी? डर तो नहीं लगेगा आपको? नहीं। पक्का? मुझे तो लगा अभी आप मेरे साथ बैठना ही नहीं चाहती हो, आप लोग इतने प्यार से यहाँ पे खड़े हुए थे। मैंने अभी व्यूअर्स को भी बताया, भाई इन लोगों को मेरी पड़ी नहीं है, पड़ी है ना, देखो सबमरीन। जरवा इसके अंदर जाएंगे सबमरीन देखने के लिए। सबमरीन जरवा आपको पता है ये कैसे चलती है? कैसे चलती है? शिप के तरीके से पानी के ऊपर या पानी के नीचे कैसे चलती है आपको पता है? कैसे चलती है पहले बताओ तो सही, पानी के ऊपर चलती है पानी के नीचे चलती है ये? हाँ पानी के नीचे चलती है, पानी के अंदर जाके चलती है। और इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है अभी जाकर देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। पानी में कैसे जाएंगे मेरा बच्चा? चलो हाँ सही बात है, पानी में चले गए तो घर कैसे जाएंगे, वीडियो कैसे बनाएंगे, है ना, लोगों को कैसे दिखाएंगे हम क्या कर रहे हैं? हम पता है कहाँ से जाएंगे? ये जो ब्रिज बना हुआ है ना, ब्रिज ब्रिज दिख रहा है आपको, जहाँ से वो बच्चे दोनों भाई भाई बहन जा रहे हैं, हम इस ब्रिज के ऊपर से जाएंगे। इसको शेकिंग ब्रिज बोलते थे, ये थोड़ा थोड़ा हिलता है, इसमें जाना है। बेटा बहुत छोटा नहीं है, लेट के चले जाएंगे। चलो इधर आओ, नहीं अंदर नहीं जाना बेटा, मना है।
ये हम जा रहे हैं शेकिंग ब्रिज के ऊपर उस साइड पर देखने के लिए, फिर उसके बाद इस साइड पर आएंगे इस एयरक्राफ्ट को देखने के लिए और म्यूज़ियम की तरफ। यूजुअली मैं म्यूज़ियम पिछले दो वीडियोस में तो नहीं गई, आज तो मेरे पास बहुत टाइम है, अभी इंशाल्लाह मैं सब कर सकते हूँ। ये लोग मछलियों को लगता है कुछ खिला रहे हैं, अगर ये लोग कुछ खिला रहे हैं और यहाँ पर अगर कुछ मिलता है ना तो जिरवा भी डालेगी, मज़ा आएगी इसको। यहाँ से कितने सारे पॉइंट्स इन्होंने बनाए हुए हैं तो यहाँ से आप पिक्चर्स ले सकते हैं, बहुत सारे जगह जगह पर पॉइंट्स इन्होंने खुद भी बनाए हुए हैं जहाँ से पूरे ओवरऑल पार्क का भी व्यू मिलता है और पर्सनली आप लोग खुद भी पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। जब से मैंने अपने बारे में ये कमेंट सुने ना कि मैं वॉइस ओवर क्यों करती हूँ, तो अब से मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं खुद ही जो जो वीडियो जब बन रही होगी ना उसी टाइम पर मैं बोलूँगी, भले लोग मेरे बारे में कुछ भी बोले कि ये मोबाइल देखकर बातें करती रहती है चलते चलते, बड़ा ऑकवर्ड लग रहा होता है, बट दैट्स ओके। जब एक चीज़ चूज कर ही ली है तो फिर शर्माना कैसा। हाँ भाई आने आजा आजा आजा, ये रहा, अच्छे लग रहे हो तुम वैसे। कहाँ चले गए भाई ये लोग, कहाँ जा रहे हो कहाँ जा रहे हो कहाँ जा रहे हो, इधर जाना है इधर जाना है किधर जाना है किधर जाना है, नहीं भाई टॉयलेट नहीं जाना, डायरेक्शन सारी वहीं की लगी हुई होती हैं, कहाँ जाना है, फूड जोन नहीं यार, खाना खाकर आए, चाय भी पीकर आए, सब कुछ कर आए। ओ जंपिंग कासल दिख गया जिरवा को, अब तो हम फॉर श्योर कहीं नहीं जा रहे हैं। अगर ऐसी कोई चीज़ दिख जाती है ना, जिस तरीके से बच्चे जूस पकड़ते हैं ना उस तरीके से जिरवा ये सब चीज़ें पकड़ती है, बस उसके बाद हम सिर्फ उसी डायरेक्शन में घूमते हैं जहाँ पर बच्चों की ये सब चीज़ें मौजूद हों। आपने लास्ट मेरी वीडियोस में देखा होगा हम सिर्फ अम्यूजमेंट पार्क्स में फंस जाते हैं। ये गई, ये देखें भाग कैसे रही है आगे की तरफ। जब मैं छोटी थी ना तो मुझे याद है मैं अपने अब्बू के साथ भी एक बार यहाँ पर आई थी और यहाँ पे स्टेयर्स हैं अंदर की साइड पर, इस पर चढ़ चढ़ के ऊपर, और उस टाइम पे अबू बोलते थे यहाँ से पूरा कराची दिखता है। ऐसा नहीं है, यहाँ से पार्क का व्यू पूरा क्लियर दिखता है, इतना ऊपर है ये। क्या कहते हैं, क्या मैं चढ़ जाऊँगी, मैं बच्ची नहीं हूँ वैसे, लेकिन क्या कहते हैं चढ़ जाऊँगी, दिखाऊँ आपको ऊपर जाकर। हाँ ये ओके, अल्लाह मालिक हिम्मत करते हो। ये देखें हमारे पाकिस्तानी हर जगह पर खाने तो मौजूद होते हैं, इसलिए आप अपने साथ कहीं भी जाए ना कुछ लेकर मत जाया करें, खाना तो आप लोगों को डेफिनेटली मिल जाएगा, तो ज़बरदस्ती हाथ में बंदा कैरी करके क्यों निकले। खड़ी हो जरवा, खड़ी हो जाओ। हाँ चलें जी, अब ये तो बिजी है और मैंने लाइट है उसकी टिकट ले ली है, तो मैं जाती हूँ ऊपर और आप लोग साथ रहें, अल्लाह का नाम लेते हैं चढ़ते हैं। बस अब मैं शुरू कर रही हूँ और ये बाबा आदम के ज़माने के तरीके से राम सिंह की हवेली पूरी चढ़ते हुए। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ये देखें भाई मेरी सांस कैसी फूल रही है, अभी भी सीढ़ियाँ बाकी हैं और चढ़ते हैं। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। कारसाज रोड नज़र आ रहा है और पूरे पार्क का 360 व्यू म्यूज़ियम का। मेरी सांस कैसी चढ़ गई है, बट दैट्स ओके। आई थिंक उस तरफ भादराबाद का एरिया लगता है और उससे आगे आइडिया नहीं मुझे, बस ऐसे ही देख लें आप। ये देखें नीचे, देखें कितना नीचे है, और रिजर्वा मेरी ट्रैम्पोलिन पे। वैसे पर्सनली मुझे हाइट से काफ़ी डर लगता है, बट क्या करें, मैं बस वीडियो बनाऊंगी एंड देन गोइंग डाउन। ऊपर
काफी अच्छा व्यू है वैसे। ये पीछे पार्किंग का एरिया है और ये इसके साथ में ना, ये देखिए यहाँ पर ये अरीना लगता है, अरीना में बॉलिंग्स और गेम्स वगैरह होती हैं। किसी दिन वो भी आऊँगी मैं आपको लेकर इंशाल्लाह। लेकिन अंदर में ना लाइटनिंग इशू हो जाता है तो अंधेरा होता है, तो उसकी वजह से मैं इस साइड पर नहीं आती। ऐसी जगहों पर प्रेफर करती हूँ जो डे लाइट के अंदर आप भी अच्छे से देख सकें, कैमरा रिजल्ट अच्छा रहे। ये देखें, आई थिंक मेरी बच्ची उतर गई है खुद से, अब इसको वहाँ जाना है। मैंने इसके लिए टिकट ऑलरेडी बाय की हुई है, ये सबसे लॉन्ग स्लाइड वाली जो है जंपिंग की। इसके बाद इसको वहाँ भेजना था, आई डोंट नो मम्मी को याद है नहीं है, पर इसके बाद इसको यहाँ भेजना है बड़ी वाली में। ये तीन है, तीन में से मैंने बड़ी वाली चूज़ की थी कि इसको उसके बाद इधर बिठाना है। चलिए जी अब नीचे चलते हैं, ठीक है। सुभानअल्लाह। इसमें नीचे उतर गई, ये देखिए यहाँ तक आ गई। अब बस थोड़ा सा बाकी है और मैंने नीचे जाना है। बताए म्यूज़ियम जाना है आपको, क्या करेंगे म्यूज़ियम जाकर? उतना टाइम आप लोग मेरी वीडियो को फॉरवर्ड कर देंगे, उससे बेहतर नहीं है कि मैं आप लोगों को अपने साथ वो चीज़ें इंटरेस्ट की दिखाऊँ जिसमें मुझे खुद भी इंटरेस्ट हो। पता चले मैंने म्यूज़ियम चलाया और आप लोग आधे लोग पाक से जमीन शाहबाद के साथ सो गए। तो घूमने फिरने वाली चीज़ें दिखाते हैं। वैसे ये रहा म्यूज़ियम, या अल्लाह ये तो वापस इसमें चली गई मेरी चाय तो। चलो कोई नहीं, अच्छा है जितना टाइम यहाँ पर ये गेन करे उतने टाइम में वीडियोस बनाती हूँ। और फिलहाल तो असर की अजान की आवाज़ आ रही होगी आपको पीछे से, तो मैं सूरज भी इसी डायरेक्शन में यहीं पर इंशाल्लाह नमाज अदा करते हूँ, फिर आपसे कंटिन्यू करते हैं। क्या आए थे पर कुछ कुछ तो चलता है ना। टिकट तो मैंने खैर सिर्फ इसके लिए थी या ट्रैम्पोलिन के लिए थी, लेकिन इसको यहाँ जाना था तो उसने बोला ऐसे ही भेज दो बस। कैसा लगा आप लोगों को मेरी टाइम म्यूज़ियम? आप लोग कब आए हैं इस जगह पर अपने कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए कि आप लोग क्या, आप लोग यहाँ पे कब विज़िट कर चुके हैं और जो जैसे मैंने दिखाया आप लोगों को उस हिसाब से कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो आप लोग क्या यहाँ पर आकर विज़िट करेंगे? और आप लोगों को बाकी मेरी वीडियोज़ कैसी लग रही हैं, ट्रैवल व्लॉग्स, कुकिंग, हर चीज़ के बारे में आप अपनी राय दीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हाँ पहले अभी हम जा रहे हैं शिप एक्सप्लोर करने के लिए, उसके बाद वापस आ जाएंगे, ठीक है? आपकी राइड तब तक स्टार्ट हो जाएंगी। जरवा के तो मजे हो गए यार जब से व्लॉग्स बनाने स्टार्ट किए, जरवा तो बस घूमती फिरती रहती है ना, मजे आ गए भाई मजे। अब यहाँ पर मुझे आई थिंक वीडियो की जो ऑडियो है वो बंद करनी पड़ जाएगी क्योंकि पीछे जो है वो चल रहा है, और फिर मुझे इसके ऊपर बाद में मैं आप लोगों को बता दूंगी। खैर मैं जा रही हूँ, वीडियो तो ऐसे ही बन रही है लेकिन बैकग्राउंड पे म्यूजिक है। देखिए लोग आ गए हैं, छुट्टी वाला दिन था तो लोग आ गए हैं। अब ये टाइम ऐसा है कि यहाँ पर लोग हैं, अच्छे खासे लोग हैं सब जगहों पर। अब इसकी एंट्री कहाँ से होगी ये तो देखना पड़ेगा, देखते हुए यहाँ पर टिकट काउंटर किस साइड पर है। तो अगर ऐसा हुआ तो दोनों तीनों जगहों की टिकट्स ले लेती हूँ, इसकी शिप की भी ले लेती हूँ, पीछे एयरक्राफ्ट देखने की भी ले लेती हूँ और सबमरीन की भी ले लेती हूँ, ताकि फिर बार बार मुझे ये टिकट्स के लिए भागना नहीं पड़े। अरे देखें यहाँ पे बोटिंग काफ़ी लोग कर रहे हैं, अब तो अच्छे खासे लोग बोटिंग कर रहे हैं, उस टाइम तक तो कोई भी नहीं था। तो देखें नज़दीक जाते हो थोड़ा, अच्छा लगा मुझे, मतलब जिस तरीके से इवनिंग होती जा रही है 5:15 बजे तो लोग भी बढ़ते जा रहे हैं और व्यू भी बहुत अच्छा होता जा रहा है, और ये यहाँ का नाइट व्यू भी बहुत ही अच्छा होगा। ये
ये देखें, ये इसकी एंट्री का है और आई थिंक शिप पर कोई टिकट नहीं लग रही मुझे, ये लग रहा है इट्स काइंड ऑफ फ्री। तो बस ये यहाँ से ऊपर चढ़ने का रास्ता है, तो हम चलते हैं, ऐसे ही चलते हैं, जब नहीं है टिकट तो ऐसे ही चलते हैं, जाके देखते हैं। थिंक कितनी अच्छा व्यू लग रहा है इधर, जरवा ध्यान से हाँ बाबा पानी है इधर, ध्यान से। आप लोगों को क्या चलाने का शौक है? मतलब अगर मुझे मौका मिले तो मुझे हैवी बाइक चलाने का बड़ा दिल होता है, इस तरीके जनरली बात कर रही हूँ लग्जरी चीज़ों के अंदर। तो आप लोगों को ये शिप चलाने का मौका मिले तो क्या आप लोग चलाएंगे? खैर मेरे शौक तो सारे इसी टाइप के ही हैं। चलो 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 ऊपर देख कर आते, ध्यान से चढ़ना ठीक है, ध्यान से चढ़ो। देखा मैंने मेमा, आ जाओ, हम इससे ऊपर अभी नहीं चढ़ रहे, बस हम यहीं से इसका व्यू चेक करते हैं क्योंकि इट्स काइंड ऑफ डेंजरस और आपके साथ चढ़ना बड़ा रिस्क है भाई, बहुत भागती हो आप। जरवा ये क्या है? ये शिप है, क्या है ये? शिप। दिल हाजिर है, हम हाजिर है। पाकिस्तान जिंदा। अंदर में बहुत सारी फिशेस होती है, दिख नहीं रही ना, दिखती होती तो मैं दिखाती, मुझे याद पड़ता है कि पहले होती थी यहाँ पे बहुत सारी फिशेस, हम उनको खाना भी देते थे। अरे ये रही, हाँ ये रही छोटी छोटी सी, अगर यहाँ पे मैं कुछ डालू ना पॉपकॉर्न वगैरह तो इतनी सारी आ जाएंगी। फिर एक मिनट देखने तो पहले, आ रही नहीं आ रही है फिशेस, वेट करो। हाँ आई आई आई, ये देखो आ गई फिशेस, आ गई सारी, आ गई, डाल दे जरूर, डाल दो सारे, डाल दो, थैली नहीं डालना, पानी गंदा नहीं करना, माँ को शॉपर दे दो, बस हाथ नहीं छोड़ूंगी मैं, हाथ नहीं छोड़ूंगी। हाथ नहीं छोड़ सकती बेटा मैं, ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो भाई, सबर कर लो, ऐसे पकड़ो और अब डालो। हाँ बस नहीं कर रही थी मैं, चिल्लाना शुरू हो जाती है, बस खत्म होना, अब ये नहीं डालना। ये देखो कितनी सारी फिशेस आ गई, ओए कितनी सारी आ गई, कितनी सारी फिशेस आ गई, बस जरवा खत्म। बड़ी फिशेस क्यों नहीं आ रही यहाँ पे? पहले तो ऑरेंज कलर की बड़ी बड़ी फिशेस भी होती थी। आप प्रॉमिस कर रही हो कि बिठा देना? आप अपने आप से प्रॉमिस कर रही हो या मम्मा से प्रॉमिस मांग रही हो कि बिठा देना? मम्मी से प्रॉमिस कर रही हूं। अच्छा चलो ठीक है, आप बिठा दूंगी आप प्रॉमिस? हाँ अगली बार इंशाल्लाह जब भी आएंगे ना तब मैं आपको पक्का यहाँ पे बिठाऊंगी। ये देखिए यहाँ पर ये इस तरीके की शिप्स और भी खड़ी हुई हैं जिसके अंदर हम लोग चाहें तो जा सकते हैं, यहाँ पे कोई टिकट नहीं है। ये देखिए इस तरीके से ये खाली, आई थिंक ये भी कोई सबमरीन टाइप ही है, लेकिन ये तो बिल्कुल एम्प्टी है, दूसरी वाली में देखते हैं। ये देखें इस टाइम पे यहाँ पे माशाल्लाह कितने लोग हैं, और ये यहाँ की अलग से परचेज करनी पड़ती है टिकट बोर्डिंग के लिए, बाकी सबमरीन की भी अलग से परचेज होगी। ये देखिए जनाब ये है सबमरीन की एंट्रेंस, और बस अब हम यहाँ से अंदर चलते हैं। मुझे हमेशा से ना अंदर देखने का बड़ा इश्तियाक था लेकिन कभी पूरा नहीं हुआ था, आज इंशाल्लाह पूरा करते हैं कि सबमरीन अंदर से कैसी होती है और इतना जॉइंट है ये पानी के अंदर कैसे चलती होगी। ये इनकी टिकट्स ले ली, बस अब यहाँ से ये एंट्रेंस है, सब हम आगे की तरफ जा रहे हैं। ये देखें
Wow. That looks so incredible. Super toast shop. इसे चलाते होंगे नहीं? मिलता नहीं है और ये जो है ना पीछे मेरा तो इसको देखकर दिल कर गया है सबमरीन में जाने का। भाई एसी चल रही है, हाँ जबरदस्त यार। ये किचन है, ओके। और ये हमारा वो किचन है। वाओ, दैट्स सो ह्यूज। और हर जगह पर ये हैंडल्स वगैरह लगे हुए, मे बी ये सारी चीजें ऑपरेशनल होती होंगी। छह छह महीने के लिए ये लोग सबमरीन अंदर लेकर जाते हैं पानी के अंदर, तो ऑफकोर्स हर तरीके की चीजें अंदर। अभी बस और अंदर नहीं जाते है कुछ। अच्छा, मैंने क्या वरना वहां से घूम के यहाँ तक वापस। हुई हुई, ये तो मेरे ख्याल से जिम विम करने की भी चीजें अंदर लगी हुई है। सुपर्ब, तो घुस घुस के चलते होंगे। एक जाना जाता होगा, दूसरा जाना वेट करता होगा या टापे मारता होगा। ये सोते कहाँ होंगे? चीजों के ऊपर क्या लिखा हुआ है? सिंकिंग ऑफ इंडियन नेवी शिप कुकरी बाय पीएन सन हैंगोर डंग। कुछ भी है, ये वर्दी वाले लोग लगते बड़े मतलब अच्छे हैं, ग्रेसफुल लगते हैं। हाँ, एक शान होती है इनके यूनिफॉर्म में। सुपर, किधर होंगे ये देखें, यहाँ पर अंदर में टेबल भी है। और अच्छा है इन्होंने अंदर में ना ये देखें बैडिंग्स भी है, एसी लगाया हुआ है, अदरवाइज अंदर इतना कंजस्टेड है कि घुटन होती है। तो यहाँ पे तो एक ही जाना सोता होगा, तो सबमरीन में जाते टोटल कितने लोग होंगे? आई थिंक 20-25 लोग होते हैं सबमरीन के अंदर, या ज्यादा होते होंगे, हैव नो आइडिया। लिस्ट ऑफ कमांडिंग ऑफिसर पीएनएस हैंगोर। अच्छा, इतने सारे लोग लिखे हुए ना, ये देखें। वाओ, दैट लुक्स सो इनक्रेडिबल। ये क्या है? अच्छा, ये इनकी डिटेलिंग चल रही है सामने स्क्रीन पर, मैं ध्यान से होता हूँ। देखें, ये बैड्स यहाँ पर भी लगे हुए हैं इस तरीके से। ये देखें इंजन चेक करें इस जाइंट का, इतना हैवी ड्यूटी है ये कि इसका इंजन भी देखें। हुई हुई, चलो बस अब हम बाहर जाते हैं। और मज़ा आई ना? घर नहीं जाना? नहीं। तो कहाँ जाए? अच्छा, मजा आई आपको? मम्मा को भी बहुत मजा आई। हाँ, अच्छा अच्छा, आपको घर में मजा नहीं आती? अभी बताती हूँ माँ को, अभी अभी चुगली करते हूँ आपके, आपको घर में मजा नहीं आती? बहुत ही अच्छा रहा ये मेरा पीएनएस हैंगोर का विजिट, बहुत जबरदस्त था। ये देखें, जगह बराए नमाज खवातीन मर्द। दे दो ना इसको, फ्राइज दो ना, दे दो, है तो दे दो इसको। पॉपकॉर्न तो दे दिए मेरे बच्चे, हमने हमने पॉपकॉर्न दे दिए, वरना हम आपको पॉपकॉर्न दे देते। फ्राइज खा के दिखाओ, खा लोगी? यू लाइक दैट? नो ना, आई नो दैट यू वॉन्ट इट। अरे इज ईटिंग? हाँ खा रही है, खा रही है। ये देखो माँ पार्टी करवा रही है, देखो ये पार्टी चल रही है इधर। अब मैं यहाँ पे छेड़ूंगी नहीं तुम लोगों को, कुट 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 करके पता चले हम दोनों के पीछे भागेंगे ये सारे। पार्टी हो रही है हमारे आसपास। She's coming to your class to you.
अरे शी इज नॉट गोना हर्ट यू, डोंट वरी। चलो हो गए सारे, चले गए सब, मौका दी नहीं करेंगे बब्बू कुछ नहीं। He's running after me. तो जो उम्मीद है इसी के साथ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है तो थम्स अप दें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, सपोर्ट करें, और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह की नई जगह पर, आपको भी घुमाएंगे, खुद भी घूमेंगे। काफ़ी टाइम के बाद कराची इतना सब कुछ हम खुद भी देख रहे हैं साथ साथ, क्योंकि निकलने का मौका नहीं मिलता था जब से ये व्लॉगिंग स्टार्ट की है, तो खुद भी जाते हैं आपको भी लेकर जाते हैं, तो इंशाल्लाह मज़ा आएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल, डू सब्सक्राइब इट, प्लीज़, अल्लाह हाफिज़।